किया। ये वक्त कैसे गुजरा कोविड का और आज इतने वक्त के बाद यू इंटरेक्टिंग विद अस? एक्चुअली आई थिंक ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम एक स्टेप पीछे ले, इसीलिए शायद ये आया। आई कीप टेलिंग माई सेल्फ दैट, क्योंकि ऑब्वियसली सबके लिए इट्स बिन अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम, वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम। इट्स इतना जो फियर अनसर्टेंटी से भरा हुआ माहौल है, उसमें आई फील अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, फॉर मी आई थिंक माई योगा और मेडिटेशन जो मैं करती हूँ, दैट वॉज माई सेविंग ग्रेस। मैंने ये भी डिसाइड किया था कि मैं आई मीन आई टेक्निकल चीज़ों में मैं बहुत कच्ची हूँ, तो मैंने पिछले एक डेढ़ साल से मैं सोच रही थी कि मुझे योगा सिखाना है यूट्यूब पर वो यूट्यूब पे अपलोड कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ अलग ऐसे टेक्निकली आई एम कम्प्लीट डोडो। तो समा आती है, मैंने शूटिंग इन जनवरी दिस ईयर आई डिसाइडेड कि मेरा बर्थडे मार्च में आता है, मुझे मार्च में अपना यूट्यूब चैनल खोलना ही है। एंड फॉर दैट देन आई डिसाइडेड कि चलो, व्हेन आई वाज शूटिंग, लाइक आई सेड, आई वाज देयर वर दीज यंग किड्स ऑन दिस सेट दैट आई वाज, एंड दे वर आई वाज लाइक प्लीज गाइज टीच मी, सिखाओ मुझे कि कैसे क्या करना चाहिए, वीडियो मुझे डालना है, अपलोड करना है। तो दे वर रियली काइंड इनफ एंड दे सेड इट्स डैम ईजी यार, व्हाट द हेल, एंड दे टॉट मी एंड आई एक्चुअली वाज रियली ईजी। सो आई थिंक मेरा लॉकडाउन व्हेन इट स्टार्टेड, मेरा यूट्यूब चैनल भी शुरू हो गया फाइनली एक दो साल के बाद, और नाउ आई थिंक देयर अबाउट 60 वीडियोज विद डिफरेंट योगा प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, प्राणायाम, सब कुछ जो मुझे इतने टाइम में मुझे करने का टाइम नहीं मिल रहा था, दैट इज़ वॉट आई सॉर्ट ऑफ गॉट अहेड एंड आई डिड दैट। सो दैट वाज समथिंग ग्रेट। मैंने अपने कथक गुरुजी, आई सॉर्ट ऑफ स्पोक टू हर अगेन एंड आई सेड मुझे फिर से कथक शुरू करना है वेयर वी लेफ्ट ऑफ लास्ट टाइम, एंड सो या आई डिड दैट इज़ वेल। सो इट्स आई वुड से, और जैसे कि आज तक मेरे करियर में कभी भी नहीं हुआ, मेरी चार रिलीजेज़ हुई इस साल। सो आई थिंक यू नो, आई नो दैट यू नो विथ वॉट इज़ गोइंग ऑन, एवरीबडी लाइक आई एम सो वरीड अबाउट माई फैमिली, देर इज़ बिन सम इशूज़ विथ हेल्थ इन माई फैमिली एज वेल। थ्रू ऑल ऑफ दैट थोड़े थोड़े मोमेंट्स थे जो वेर आई वॉज एक्चुअली फीलिंग नाइस एंड हैप्पी एंड प्राउड एज वेल। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लुकिंग एट यू नो ग्लास हाफ फुल रादर देन हाफ एम्प्टी। और जब भी आई टू फील रियली बैड एंड डिप्रेस्ड अबाउट यू नो बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, एंड आई हैव बीन वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज लाइक आई सेड आई एम लिविंग विद पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज़, मेरे पेरेंट्स आर क्वाइट ओल्ड एज वेल, सो आई वॉज वेरी वेरी केयरफुल, एंड सो आई जस्ट really took a back seat and just sat at home. Itne mahine, I think main kabhi koi, never in my life do I remember being at home for so many months at a stretch. So mujhe sirf ye lagta tha ki I will just say that the earth, mother earth needed to breathe, and that's why this came around. And so you know, we're giving her the time to hum log jo kar rahe hain, we are just going all over the place, we never take a break, we are always just running ahead of ourselves. So I think ye ek point tha jo hame break lene ki zarurat thi, aur agar hum khud nahi kar rahe to humse karwaya gaya hai, so I looked at it like that. Vidya, aur bhi duniya badal gayi, jab main covid ki baat karta hu, corona ki baat karta hu, hindi film industry pe bahut asar pada, cinema ghar pe bada asar pada, aur digital platform ne ek nayi jagah di, ek naya maqam diya, ek jo hum grand badi film mein big star hai, star star, उनको हमने छोटे पर्दे पे देखा, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या अलग, और यू नो देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड वी हैव सीन दैट, उस बारे में क्या कहना चाहेंगी? और आपकी जो फिल्म आने वाली है, वेब सीरीज आने वाली है, मैं अगर मिसमैच की बात करूँ, उसके ट्रेलर को भी काफ़ी अप्रिशिएट करा जा रहा है। हाँ, तो आई थिंक ये मुझ जैसे एक्टर्स के लिए और आई थिंक सारे आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियंस के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका एक्चुअली मिला है हमको, बिकॉज पिछले दो सालों में जो ये वेब शोज़ शुरू हो गए हैं, जो ये इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आए हैं, उनके वजह से आई थिंक हमें एक सेकंड विंड मिला है, हमें यू नो इट्स लाइक अनदर लीज ऑफ लाइफ, जो बिकॉज एक जितनी भी फिल्में बनती है, लाइक यू सेड देयर आर लॉट्स ऑफ ए-लिस्टर्स, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टार्स हु आर नॉर्मली डूइंग देम, एंड मैंने भी आफ्टर चक दे आई साइंड अ फ्यू फिल्म्स, आई डिड अ फ्यू फिल्म्स, लेकिन इकोनॉमी क्रैश हो गई और वो सारी फिल्म्स या तो बनी नहीं या तो फिर यू नो दे गॉट डिलेड एंड ऑल दैट।
सो समबडी लाइक मी ऑल्सो व्हेन मेरे पास फिर जो काम आने लगा वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड था और मुझे वो करने में कोई दिलचस्पी नहीं बची. और अगर मैं किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड नहीं हूँ और इफ़ आई कांट क्रिएट मैजिक विद समथिंग दिस नो पॉइंट इन मी बीइंग इन इट. सिंपल. मैं सबसे खुश होती हूँ जब मैं सेट पे होती हूँ या मैं अपने योगा मैट में होती हूँ या कहीं जंगल में होती हूँ. सो बेसिकली आई वॉज ऑन अ सेट एंड आई वॉज नॉट हैप्पी एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि अभी मुझे ये नहीं करना इन द सेंस जब तक कुछ अच्छा नहीं आता मुझे नहीं करना ये सब स्टैंडर्ड काम. एंड दैट्स व्हाट आई एक्चुअली डिड बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड टीचिंग योगा. मैं योगा सिखाने लगी, क्लासेस लेने लगी. अभी भी वन ऑन वन क्लासेस करती हूँ मैं. लेकिन पिछले दो साल में क्योंकि इतना सारा वेब वर्ल्ड निकल के आया है एंड देर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, हम जैसे कलाकारों के लिए लाइक आई सेड सेकेंड विंड मिल गया एंड इट्स रियली नाइस. अभी इसी साल में ये मेरी करियर में कभी नहीं हुआ. आई थिंक मेरी चार साल में कहीं एक फिल्म रिलीज़ होती थी. इस साल में मेरी चार सीरीज रिलीज हुई है एंड आई एम जस्ट रियली ग्रेटफुल. आई थिंक इट्स जस्ट मिसमैच की अगर मैं बात करूं क्या किरदार निभाते नजर आएंगे एंड व्हाट वाज द डायरेक्टर ब्रीफ व्हेन यू केम ऑन बोर्ड. सो मिसमैच वाज एब्सोल्युटली क्रेजी क्योंकि शूट शुरू होने से पहले दो दिन पहले मुझे आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम द कास्टिंग डायरेक्टर एंड सेड ये है दिस इज़ द यू नो द शो दिट्स फॉर नेटफ्लिक्स the director so and so, the producer so and so, all of that. और आप करेंगी क्या and all that. So I said, हाँ मुझे भेजो synopsis, story, whatever, everything. I'll read the script and let you know. I remember I traveled almost 20 hours and I had come from LA. And I was so jet lagged, but I came back in the night and I read the whole script that night only. And then in the morning, मुझे casting director का वापस phone आया and in the morning the casting director called again and she was like okay so abhi now we are ready you know I have you would you like to do it and all of that. So I said ha now tell me what the procedure is. Mujhe laga abhi ek mahine baad shuru ho jayegi na whatever you know they'll take time. He says no tomorrow we have to be on set, it's like that urgent, everybody's already on set. And I'm thinking what. And so there was no time to prep for the character and I was extremely nervous. Jab main Jodhpur pahunchi, I remember main jab director Akash sir se jab mili and I was like aapko, this girl was supposed to be a Hyderabadi, Zeenat Kareem is my character name and Zeenat was Hyderabadi. And I said mujhe abhi 24 hours ke andar agar mujhe nuances lane hai, language pakadni hai ya to behave like that, it's going to be impossible and it'll be like a caricature. तो वो मुझे करना नहीं है. सिर्फ उसे मैं थोड़ा सा subdued और लखनवी बनाती हूँ. And then I just thought that, so every time मुझे कोई character मिलता है I try and see कि उसमें क्या traits ला सकती हूँ मैं. So I think for me Zeenat was extremely endearing. बहुत एक innocence है उसमें. Even if she is older than all of them, बाकी सब 16-17 साल के बच्चे हैं उस स्कूल में, उस कॉलेज में. और एंड दिस वन्स ऑब्वियसली डबल देयर एज. सो आई वॉन्टेड टू स्टिल गेट दैट इनोसेंस इन दिस कैरेक्टर. एंड सो एंड अ लिटिल क्लम्सी क्योंकि यू नो शी इज़ ट्राइंग टू फिट इन विद द रेस्ट ऑफ देम. शी इज़ अ कम्प्लीट मिसफिट बिकॉज यू नो शी इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट जेनरेशन एक्चुअली. एंड बट स्टिल टू पुट दैट, सो शी इज़ अ लिटिल क्लम्सी, शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड अ वे अराउंड. पर एक स्ट्रेंथ है उसमें क्योंकि अपना ड्रीम फॉलो करने का, शी जस्ट टेकन दैट स्टेप एट यू नो 30-40 ईयर्स ऑफ एज. यू से अच्छा ठीक है मैं कॉलेज जाऊंगी, मैं पढ़ूंगी और जो मेरा जो छूटा था जब मैं यू नो इनके साथ उस उम्र में, वो अभी आई एम गोइंग टू ट्राई एंड सी व्हाट आई कैन डू विद इट. एंड आई थिंक दैट इज़ रियली द ब्यूटी ऑफ दिस कैरेक्टर. शी इज एंड द बेस्ट पार्ट इज़ आई वॉज टॉकिंग टू समबडी फ्रॉम नेटफ्लिक्स यस्टरडे एंड शी जस्ट टोल्ड मी यू नो व्हाट, फॉर मी Zeenat इज सो वार्म एंड इनोसेंट. And I just kept, I said, you know, I feel so good that you said these two words because these are the two that I had ticked and I said, this is the two things that I want for this character to come. And I was just really, really happy that, I really hope that you guys like it. I had so much fun doing this because, like I said, sab log, they're almost new to acting, but they're all so spectacular. You know, there are a bunch of us, hum 8-9 jan hai, jo, it is just so nice to work with them.
और उनको आई थिंक उन्होंने सब दे वर क्वाइट यंग व्हेन जब चक दे रिलीज हुई होगी और तब से दे वर लाइक ओ माय गॉड योर चक दे विद्या शर्मा इंडिया तो यू नो वो भी था उनमें एक दैट दे वर आई मीन आई वी ऑल सीन फैंस एंड ऑल दैट बट इतना क्लोज क्वार्टर्स में आई हैव नेवर रियली इंटरेक्टेड विद माय फैंस एज सच एंड दिस वाज क्वाइट अमेजिंग टू सी दैट वो एक फिल्म थी जिसने इतना बड़ा इम्पैक्ट किया लोगों के दिलों पर और माइंड्स पे दैट पीपल स्टिल रिमेंबर इट एंड रिमेंबर अस सो फॉन्डली सो आई थिंक वो बहुत ही स्पेशल था जैसे आपने चक दे का जिक्र किया अभी खबरें भी आ रही हैं शाहरुख स्टार्टेड शूटिंग को पठान हाउ एक्साइटेड यू आर और कितना चाहते हैं दो आर्टिस्ट को मैं आप तो काम कर चुकी हैं उनके साथ जब मैं शाहरुख की बात करता हूँ कितनी उत्सुकता है आपके अंदर उन्हें वापस स्क्रीन पे देखने I think for us, Mr. Shah Rukh Khan will always be just coach, sir, for us, and that's it. Abhi bhi, I think, unse kabhi milte hai, toh he'll just forever be coach because, I don't know, unhone humara itna khayal rakha hai. He never made us feel that we are any less than him. Ek toh, I think that's just the way he is. Ki agar aap unke saath kaam kar rahe ho, aap unko kabhi milo bhi, तो भी he'll just put you on a pedestal like you will feel like oh my god I'm floating or something you know he's like that and he's extremely charming and extremely intelligent so to share screen space with him like I said mere paas I just have maine kuch to acha kiya hoga meri is zindagi mein ya pichli zindagi mein ki mujhe aisi film mili aur unke sath film karne ka mauka mila kyunki aur unko screen pe dekhne ka I mean, it's always such a pleasure to watch him, always, because even though you know he is, I mean, that eternal romantic man that every woman wants is brought alive by Mr. Khan. Okay, the last one, the last question from my end. Kya Big Boss dekh rahi hai? मुझे नहीं आई डोंट नो आई हैवंट वॉच बट एक्चुअली मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ क्योंकि पता नहीं मुझे टाइम ही नहीं मिलता पर इस लॉकडाउन मैं आपको बताऊँ इस लॉकडाउन में वन थिंग दैट इज़ हैपेंड पिछले 10 साल से एक बहुत ही बड़ा शो है इंटरनेशनल शो कॉल्ड गेम ऑफ थ्रोन्स जो सारे मेरे फ्रेंड्स देख चुके हैं एवरीबडी इज़ लाइक यू हैवंट सीन इट इट्स लाइक यू नो शोले नहीं देखी तुमने इट्स लाइक दैट यू हैवंट सीन गेम ऑफ थ्रोन्स So the one thing that I saw this lockdown was मैंने Game of Thrones पूरा season 1 to season 10 देख लिया है now I'm with it say नहीं हम उन लोग जाते हैं promotion की जब हम बात करते हैं कपिल शर्मा का show या Big Boss पे सलमान के set पे वहाँ जाते हैं क्या ऐसा कुछ इरादा है जाने का अगर वो हमें बुलाना चाहेंगे तो हम जरूर जाएंगे why not everybody is doing a really good job at what they do. I think Kapil Sharma show I have seen a few times, and I think there's a lot of fun that happens there. So one would love to go. Even with Big Boss, I think it's though I've not seen many episodes and all of that, I'm aware of it, and I am aware of who the people are and what is happening. So I think it's why not? It's a lot of fun to be a part of any of this content because it's. People are liking to watch it. People are enjoying it. So I guess it's all good, yeah. जो आपको अच्छा लगता है आप देखो जो आपको अच्छा लगता है आप करो. As long as you're not hurting anybody, it's all good. So if they call me, I'd be very happy to go with them. Thank you so much. Thank you.